फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी, और तुरई की सब्ज़ी के साथ मैं राइस बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं तुरई को पहले पील ऑफ कर लेती हूँ, देन इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लूँगी। डैडी ने क्या बनाया है? तो यहाँ पर मैं तुरई के दो पार्टीशन करके स्मॉल पीसेस में कट कर लेती हूँ, और यहाँ पर अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली को भी मैं कट करूँगी। इसमें मैं रेड चिली यूज़ नहीं करूँगी। साथ में मिल्क भी बॉईल कर रही हूँ, मिल्क आ चुका है तो उसको बॉईल कर रही हूँ। अभी हम बनाएंगे तुरई की सब्ज़ी। तो ये सब्जी फ्रेंड्स मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पैन में सिर्फ मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ, देन हींग और जीरा, और जो मैंने अनियन, ग्रीन चिली और गार्लिक कट करके रखा हुआ है, इसके फ्राई होने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो कटी हुई तुरई है वो ऐड कर देंगे, और सारे सूखे मसाले। तो बस इसमें और कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने तुरई डालने के बाद सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, और इनको फिर अच्छे से तुरई में मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर। इसमें मैं वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, बिकॉज़ तुरई से थोड़ी देर में वाटर खुद ही निकलता है, तो इसमें मैं वाटर कभी भी ऐड नहीं करती हूँ। बस इसको ढककर हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, देन ढककर फिर लो फ्लेम पर पकाएंगे। और ये सब्ज़ी ऐसे ही सिंपल बनाते हैं और टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है। इसको हम राइस के साथ खाते हैं, बिकॉज राइस के साथ ये सब्ज़ी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो राइस और रोटी दोनों ही बनाते हैं, बट राइस के साथ ये अच्छी लगती है मुझे। तो अभी यहाँ पर किचन में थोड़े बर्तन हैं, तो जल्दी से फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। इसमें बीच बीच में सब्ज़ी को चलाते रहना पड़ेगा, तो बीच बीच में मैं लेड हटाकर सब्जी को चला रही हूँ। एक तरफ मैंने राइस भी बनने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पर हमारी तुरई की सब्जी और राइस दोनों ही बनकर तैयार हैं। इसके साथ मैं रोटी बनाऊंगी और आज का ये सिंपल सा लंच। ऐडी, जमीन पे क्यों लेटे हो? क्या बना रहे हो? नहीं पता? तो फ्रेंड्स, अभी अनैब का प्लेइंग टाइम हो चुका है, और अनैब साइकिल लेके नीचे पार्क में जा रहा है, तो मैं उसको लेकर जा रही हूँ। अभी हम चलते हैं पार्क। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे फ्लैट से बाहर का सीन, और यहाँ पर सभी ने अपने फ्लैट से बाहर प्लांट्स रखे हुए हैं। एडी स्लो, एडी साइड करो। एडी चलो, साइकिल चलो अपनी। ढूंढो
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय फ्रेंड्स।